हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके बहुत ही प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस और एनी अदर एग्जाम, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूछा जाता है, तो उसको देखेंगे एक वन लाइनर के रूप में, और बीच बीच में मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट भी उससे रिलेटेड बताऊँगा। तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? तो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको एक और नाम से जाना जाता है, भारत के बिस्मार्क के रूप में। किनको? सरदार पटेल को। उसके बाद नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। उसके बाद है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इनका समाधि का नाम है विजय घाट। देखिए, नेताजी के नाम क्या है, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट। जो बहादुर रहते हैं वह विजय होते हैं। क्या? जो बहादुर रहते हैं वह विजय होते हैं, यानी लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। उसके बाद महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है वह महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक। और रामायण के लेखक कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट में। उसके बाद है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वह चाणक्य, या एक और नाम से आप लोग जानते होंगे कौटिल्य, या इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। तो या इस तीनों नाम में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा आपसे और पूछ देगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र जो है, यह पुस्तक जो कौटिल्य का है, ये कोई इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं बुक है। ये जो है एक राजतंत्र या मान के चलिए पॉलिटिकल से संबंधित यह किताब है। उसके बाद है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। कारण था कि देखिए, जब 1962 में चाइना से युद्ध चल रहा था, तो उस समय भारत में जवान की हालत, मतलब एक तरह से किसान की हालत ज़्यादा खराब थी। इन्हीं के ऊपर पूरा के पूरा देश टिका हुआ था, क्योंकि भारत में भुखमरी के उस समय एक तरह से हालात थे और जो जवान थे वो सीमा पर लड़ रहे थे। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उसके बाद संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करें कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सब बात याद रखिएगा, संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन सब है। उसके बाद देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। देखिए, ये जो साइन आप लोग देखते हैं ये किसका साइन है? रेड क्रॉस का। तो कब मनाया जाता है? 8 मई को। उसके बाद सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो है जापान। देखिए, सूर्योदय यानी सूर्य का उदय, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को। या सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो जापान में, ऐसा बोला जाता है। और ठीक, सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। देखिए, आप दशहरा आ रहा है, दशहरा में कितना देवी की पूजा होता है? 7, और एक आप लोग के होने वाला वाइफ, कितना हो गया? 8, यानी 8, और आप लोग ठीक है, 8 मार्च। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है यह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन है? ओणम है। ओणम में क्या होता है? तो बोट रेसिंग जो आप लोग देखते हैं वही होता है। उसके बाद दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। नेक्स्ट है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन है? शुक्र है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु, तो सबको मालूम है वह है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो वह है डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो होता है वही है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। उसके बाद राष्ट्रीय फल कौन सा है? एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय के लिए यहाँ पे माना गया है
अब एक तरह से संविधान में लिखित नहीं है, एक मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पुष्प, तो ये सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो है आम, अभी आप लोग खूब खा रहे होंगे। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो है कमल, कौन सा है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो है बरगद, कौन सा है राष्ट्रीय पेड़, बरगद। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो अभी आप लोग एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे कपिल शर्मा का, जिसमें बोलता है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, और बात सही भी है, राष्ट्रीय नाम से मतलब कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन एक माना गया है, तो सिंबॉलिक रूप में आप लोग याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो है हॉकी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो 3:3। अभी 15 अगस्त आ रहा है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि लंबाई का अनुपात होना चाहिए 3 और चौड़ाई कितना होना चाहिए 2। 3:2 में जो है भारत का राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। ठीक, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय, टेक केयर, और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए जो भी एग्ज़ाम की।